नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी 24 अक्टूबर को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी पेश करेंगे। जी हां, बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार से उनकी 3 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। वहीं इस दौरान एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष शशिपाल शर्मा और जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों की प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन को सरकार जल्द बहाल करे। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2004 से जहां एनपीएस को लागू किया गया था, जिसे प्रदेश सरकार ने 17 अगस्त 2006 को एक अधिसूचना जारी कर मई 2003 में पहले के कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना ही इस कानून को लागू कर दिया, उसे वापस लेना है। वहीं सरकार द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी के खिलाफ 24 अक्टूबर को सभी सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना देंगे और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र भेजेंगे। हमारी प्रमुख मांग ये है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी जो कि केंद्र सरकार ने 5 मई 2009 को जारी कर दी है, कई जो सरकारें राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी इसको लागू कर दिया है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में उसको अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। उसके पहले DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो कि 2017 में लागू कर दी गई है, लेकिन जो 1-1-2004 केंद्र सरकार और 15 मई 2003 से राज्य सरकार ने जो हमारी हिमाचल प्रदेश में है उसके दौरान जो बीच के जो एम्प्लॉयज बचे हैं उनके लिए भी सरकार ने नोटिफिकेशन कर दी है, लेकिन उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमारी मुख्य मांग पुरानी पेंशन है। यदि सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो 24 अक्टूबर 2020 के बाद हम इन आंदोलनों को उग्र करेंगे और उसके बाद 12 नवंबर 2004 को गेट मीटिंग रखी गई है, उसके बाद 24 नवंबर 2020 को पेन डाउन स्ट्राइक रखी गई है। यदि सरकार इन आंदोलनों से भी नहीं अगर हमारी मांग को नहीं मानेगी तो उसके बाद हमने 1-1-2021 से पूरे जो राज्य है उसमें पैदल मार्च यात्रा करेंगे और क्रमिक अनशन भी हम शुरू करेंगे। सरकार ने सितंबर 2017 में 30 सितंबर के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए थे उनके लिए DCRG लागू कर दी थी, लेकिन उससे पीछे जो लोग बचे हैं उनके लिए नहीं की थी। तो सरकार ने पिछले बजट में भी इस चीज़ की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। एक तो हमारी वो मांग है। दूसरी, केंद्र सरकार ने मई 2009 में पारिवारिक पेंशन के लिए, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, कोई डिसेबल हो जाता है, उसके लिए नोटिफिकेशन की है और वो कई प्रदेशों में लागू हो चुकी है। उसकी भी हम प्रदेश सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हमें आश्वासन देती है उस चीज़ को लागू नहीं करती है। हमारी प्रदेश सरकार से वही मांग है कि जो DCRG के जो लोग DCRG से बच गए हैं काइंडली उनके लिए DCRG लागू की जाए और हमारे सभी कर्मचारियों के लिए जैसे बाकी प्रदेशों में हो रहा है हमारे लिए भी पारिवारिक पेंशन की जो है वो व्यवस्था की जाए।